सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का तनिष्क गेमिंग की एक और न्यू वीडियो में। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे हैं एंड बिस्तर में कम्बल होल्ड करके ये वाला वीडियो देख रहे हैं। सो गाइस, आज का वीडियो डालने में काफी ज्यादा लेट हो गया। सो होप करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दोगे, क्योंकि भैया काफी सारे बंदे जो है अभी सो गए होंगे। जो लोग सुबह देख रहे हो तो कमेंट करके बताना कि आप लोग ये जो वीडियो है सुबह देख रहे हो, लेकिन सो भी भैया बहुत ही ज्यादा ठंड बढ़ गई है। तो भैया बढ़िया जैकेट वैकेट पहन के भैया कैप वगैरह लगा लो यार, क्योंकि अगर नहीं लगाओगे तो सर्दी हो जाएगी एंड आप लोग बीमार हो जाओगे, ठीक है। सो गाइस, आज के वीडियो में यहां पर बात करेंगे हमारे फ्री फायर में आने वाले न्यू ईयर स्पेशल व्हील इवेंट के बारे में, जिसके अंदर गाइस आप सभी को अपना इलेक्ट्रिक शॉक बंडल, साथ ही गाइस जो ब्रेक डांसर बंडल है वो भी देखने के लिए मिल सकता है। साथ ही गाइस यहां पर बात करने वाले हैं टुनाइट अपडेट के बारे में, जिसके बारे में जानने के बाद आप सभी को काफी ज्यादा सुख मिलने वाला है। सो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना, और हाँ, जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फटाक से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर देना। बात करते हैं गाइस टुनाइट अपडेट के बारे में। सो गाइस, आज रात 12 बजे आप सभी को हमारे फ्री फायर में जो है न्यू एज का जो मेल बंडल है वो आप लोग को फिटेड व्हील इवेंट के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। सो ये बंडल जो है भैया पार्टनर प्रोग्राम वाले यूट्यूबर को पहले से ही मिल चुका है, तो आप लोग ये मत सोचना उनको कैसे मिला, तो उनको भैया ऑटोमेटिक करीना भेज ही देता है, उनको कुछ नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप लोग को भैया ये वाला बंडल निकालने के लिए लगभग 1400 से 1500 डायमंड लगने वाले हैं, क्योंकि मोस्टली भैया लास्ट में ही निकलता है, काफी सारे बंदों का स्टार्टिंग में निकल जाता है। तो भैया अगर आ गया है ये वाला फिटेड व्हील एंड आप लोग ने अपना लक ट्राई किया है, तो कितने स्पिन में और कितने डायमंड लगे हैं भैया इसको निकालने में, आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट करके बता देना, और इस वीडियो को गाइस आप लोग अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से जरूर कर देना। सो गाइस आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे फ्री फायर में आने वाले न्यू मोको स्टोर के बारे में, जिसके अंदर गाइस आप सभी को एक नया कमाल का बंडल देखने को मिलेगा, जिसका नाम है गोल्डन रोवर बंडल। और ये जो इवेंट है गाइस हमारे इंडियन सर्वर में बहुत ही जल्दी आने वाला है, जैसे कि यहाँ पे लीक्स निकल करके आ रही हैं। सो गाइस अपना जो मोको स्टोर है उसका जो थीम है वो पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया है, और ये जो मोको स्टोर आएगा वो आएगा गाइस लक रॉयल के अंदर, जहाँ पे डायमंड रॉयल वगैरह रहता है वहां पे आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपसे कुछ क्या कुछ रिवॉर्ड चाहिए वो आप लोग को चूज करने हैं, जैसे कि ग्रैंड प्राइज में मुझे यहाँ पे ये बंडल चाहिए तो वो बंडल मैं यहाँ पे चूज कर लूंगा, ठीक है, या फिर भैया कुछ भी रिवॉर्ड आप लोग चूज कर सकते हो। साथ ही गाइस जो बोनस प्राइज है, बोनस प्राइज में भी आप लोग को जो भी रिवॉर्ड चाहिए वो आप सभी लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद गाइस आप सभी को नेक्स्ट कर देना है, साथ ही कन्फर्म कर देना है। इसके बाद गाइस आप लोग को यहाँ पे स्पिन करना है, स्पिन करोगे सो आप लोग को भैया यहाँ पे ये बंडल मिलेगा, वो भी सबसे आखिरी में। सो आप लोग को यहाँ पे भैया इसमें भी लगभग 1200 से 1300 डायमंड लगाने पड़ेंगे। अब बात करते हैं एक न्यू फिटेड व्हील के बारे में। सो यहाँ पे जो भी इवेंट आ रहे हैं भैया ज्यादातर फिटेड व्हील ही आ रहा है, साथ ही भैया यहाँ पे अपना एक मोको स्टोर आ रहा है। सो ये जो किंगफिशर की नई स्किन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये गाइस आप लोग को हमारे न्यू फिटेड व्हील में देखने के लिए मिलेगी। साथ ही गाइस यहाँ पे ये जो डेजर्ट ईगल का स्किन है ना भैया, जो कि काफी ज्यादा ओपी है, ये भी गाइस आप लोग को हमारे इसी फिटेड व्हील के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब बात ये आती है कि ये जो फिटेड व्हील है कब आने वाला है, तो ये आने वाला है भैया 5 जनवरी को, सॉरी मैं दिसंबर बोलने वाला था लेकिन भैया जनवरी को आने वाला है, ठीक है, क्योंकि आज हो चुका है भैया 31 दिसंबर जब यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट वेपन रॉयल की बात करें, तो नेक्स्ट वेपन रॉयल में आप लोग को ये वाली यूजी की स्किन मिलेगी, जिसके अंदर गाइस आप लोग को रिलोड स्पीड प्लस मिलेगा, साथ ही मैगजीन इसमें प्लस करी जाएंगी एंड इसका जो एक्यूरेसी है वो यहाँ पे माइनस किया जाएगा, ठीक है। सो आप लोग को ये वाली यूजी का स्किन कैसा लगा है जल्दी से कमेंट करके बता देना। मेरे हिसाब से तो घटिया है, क्योंकि यूजी कोई नहीं चलाता यार आजकल, ठीक है। स्टार्टिंग में जो भी गन आती है वो एकदम धांसू चलती है, लेकिन उसके कुछ दिन बाद उस गन को इतना खराब कर दिया जाता है कि चलाने का मन ही नहीं होता है, ठीक है। बात करते हैं हमारे फ्री फायर के न्यू अवतार एंड बैनर्स के बारे में, जो कि भैया रैंक सीजन 25 के हैं। सो गाइस अपना जो नया रैंक सीजन है उसके अंदर गाइस आप लोग यहाँ पे हेरोइक या फिर भैया डायमंड वगैरह की रैंक में जाते हो तो कौन कौन से बैनर हैं वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। साथ ही गाइस ये है हमारा हेरोइक का जर्सी, और ये है भैया गोल्ड का ऑक का स्किन। अगर आप लोग गोल्ड रीच करोगे तो आप लोग को ऑक का ये स्किन यहाँ पे मिलने वाला है। और ये जो फीमेल बंडल आप सभी देख सकते हो, ये गाइस हमारे न्यू रैंक सीजन के साथ ही अपडेट कर दिया जाएगा रैंक टोकन रिवॉर्ड्स के अंदर। आप लोग चाहो तो उसको यहाँ पे भैया टोकन से एक्सचेंज भी कर सकते हो। सो गाइस इसका जो मेल वर्जन है वो तो पहले ही आ चुका था, अब यहाँ पे इस सीजन से ये फीमेल ड्रेस भी आने वाला है। सो गाइस आप लोग को कैसे लगे हैं हमारे नेक्स्ट रैंक टोकन के ये रिवॉर्ड्स जल्दी से मुझे कमेंट करके बता देना। और ये बैकपैक देख सकते हो मेरे भाई, बैकपैक काफी ज्यादा कमाल का बनाया है इन लोगों ने,
लेकिन भैया फ्री का ही है तो कमाल का ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि भैया फ्री की चीज़ें तो अच्छी रहती नहीं है। फिर भी आप लोग को मैं बोलता रहता हूँ कि अच्छा है, नहीं तो आप लोग भैया टॉपअप के पीछे भागने लगते हो। टॉपअप के पीछे भागोगे तो आपका ही लॉस होने वाला है। और टॉपअप में ये वाली ग्लोबल की स्किन देखने को मिल सकती है, जो कि आप सब यहाँ पे देख सकते हो। सो यहाँ पे काफ़ी सारी लीक्स निकल कर आ रही थी, ये जो ग्लोबल है रैंक टोकन एक्सचेंज में अवेलेबल कराई जाने वाली है, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये जो ग्लोबल की स्किन है गाइस आप लोगों को किसी वेब इवेंट में या फिर भैया फ्री रिवील के अंदर देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं हमारे फ्री फायर में आने वाले एक कमाल के न्यू इवेंट के बारे में, जिसके बारे में जानने के बाद आपके मन को थोड़ी सी शांति मिलेगी। सो गाइस अपना जो रेड एंजेलिक पैंट है, साथ ही अपना जो ब्लू एंजेलिक पैंट है, वो वापस से आने वाला है। वो भी कब भैया? जनवरी के महीने में, जैसे कि यहां पे इंफॉर्मेशन निकल करके आ रही है। यहां पर भैया मैं आपको बता दूं, एक इवेंट आएगा जिसके अंदर रेड एंजेलिक, साथ ही अपना जो ब्लू एंजेलिक है, सारे के सारे एंजेलिक पैंट्स आप सभी को रिटर्न देखने के लिए मिलेंगे। इंडिया में तो रेड एंजेलिक अभी तक नहीं आया है, तो पहली बार आएगा। और जो यहां पे ब्लू वाला है वो तो आ ही चुका है, तो ये रिटर्न आने वाला है गाइस जनवरी के महीने में। सो आप लोग मुझे बताना कि आप लोग रेड वाला निकालने वाले हो या फिर ब्लू वाला, जल्दी से कमेंट करके बता देना। और जिस भी भाई ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो का लाइक टारगेट है भैया 1000 लाइक का, सॉरी 1000 का नहीं, 5-6000 का, ठीक है? तो आप लोग कर देना यार 5-6000 लाइक, मेरे हिसाब से हो जाने चाहिए, इतना छोटा सा टारगेट दिया, ठीक है? अभी बात करते हैं इमोट पार्टी इवेंट के बारे में। सो गाइस जैसा कि आपको मैंने बताया था, हमारे इंडियन सर्वर में बहुत ही जल्दी आप लोग को इमोट पार्टी इवेंट देखने को मिलेगा। सो जो अपना इमोट पार्टी इवेंट है वो आप सभी को 12 जनवरी तक इंडियन सर्वर में देखने को मिलेगा। इसके अंदर गाइस अपना जो हर्ट ब्रोक वाला इमोट है वो देखने को मिल जाएगा, साथ ही थ्रोन इमोट एंड और भी काफी सारे पुराने इमोट्स आप सभी को इस इमोट पार्टी के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके बाद गाइस हम लोग यहाँ पर बात करते हैं हमारे फ्री फायर के न्यू इलेक्ट्रिक शॉक एंड यहाँ पे और भी काफी सारे पुराने बंडल का। तो यहाँ पे मैंने न्यू बोल दिया लेकिन ये पुराना बंडल है। सो गाइस यहाँ पे एक वोटिंग वाला इवेंट आया था, यहाँ पे आप लोग को वोट करना था कि नेक्स्ट मैजिक क्यूब के अंदर आप लोग को कौन सा बंडल चाहिए है। सो गाइस यहाँ पे जो वोटिंग का रिजल्ट निकल कर आया है उससे पता चला है कि इलेक्ट्रिक शॉक बंडल बाहर के काफी सारे सर्वर के ऊपर रिटर्न आएगा, बट हमारे इंडिया में मैजिक क्यूब के अंदर तो नहीं आएगा। लेकिन गाइस एक इलेक्ट्रिक व्हील करके आप लोग को एक नया इवेंट देखने को मिलेगा, जिसके अंदर गाइस आप लोग को हमारा जो इलेक्ट्रिक शॉक बंडल है वो वापस से अवेलेबल कराया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे काफी ज्यादा लीक्स निकल करके आ रही है। सो गाइस आप लोग को कैसा लगा अपना इलेक्ट्रिक शॉक का इवेंट, जल्दी से बताना। बात करते हैं हमारे घोड़े वाले न्यू एनिमेशन के बारे में। सो गाइस ये जो न्यू एनिमेशन है ये भैया जनवरी महीने में या फिर भैया फरवरी के स्टार्टिंग में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये जो इवेंट आने वाला है भैया, इसका कोई भी कंफर्म डेट मुझे अभी नहीं पता है, जैसे ही कंफर्म डेट मुझे पता चलता है मैं आप लोग को सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा, एंड आपको हमारे चैनल पे ही सबसे पहले वीडियो देखने को मिल जाएगा। सो गाइस अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग भैया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से करना, एंड जल्दी से वीडियो देखने के बाद शेयर करने के बाद कमल होड़ करके सो जाना, ज्यादा देर मोबाइल मत चलाना और सुबह थोड़ा सा लेट उठना क्योंकि भैया ठंड बहुत ज्यादा पड़ गई है। तो आज की वीडियो में नहीं मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद गाइस।